guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video I'm going to review this product by Himalaya. This is their Himalaya Purifying Neem Gel. So guys, ये उनका एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है. आपने देखा भी होगा, नायका पे मिलता है, आपके लोकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल है. सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द नीम जेल बाय हिमालया. सो इन्होंने चार वेरियंट लॉन्च किए हैं, जो आई थिंक एलोवेरा, केसर और ये नीम, और एक और वेरिएंट है शायद रोज यस. तो मैंने उसमें से ये नीम का वेरिएंट बाय किया था, एंड आप देख सकते हो मैंने इसे कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है. सो आई थॉट व्हाई नॉट रिव्यू इट फॉर यू गाइस, कि अगर इज इट वर्थ इट और नॉट. चाहे ये बहुत ही यू नो अफोर्डेबल सा है, इट इज़ जस्ट फॉर 85 रुपीज़ एंड 3 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है, एंड ऑनलाइन वगैरह पे आपको सेल में अराउंड 77 रुपीज़ का मिल जाएगा. ये बहुत ही आराम से, एंड क्वान्टिटी वाइज दिस इज 100 ml ऑफ प्रोडक्ट. सो इट्स लाइक वेरी वेरी अफोर्डेबल, एंड हिमालया एज अ ब्रांड नीड्स नो इंट्रोडक्शन. सब लोग जानते हैं इंडियन ब्रांड है, और सो आई जस्ट वॉन्टेड टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो गाइस, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये इसका इंटरनल पैकेजिंग जितना मैंने यूज़ किया, ये ग्रीन कलर का जेल है. जैसे हिमालया का नीम फेस वॉश आता है ना, एकदम उसी तरह का ये जेल है. इसकी फ्रेगनेंस भी एकदम जैसे हिमालया का जेल फेस वॉश आता है नीम वाला, उसी की तरह है. बट ऐसा लगता है ये जो फेस वॉश है उसको बस एक जेल फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट किया है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स, आप देख सकते हो, और बहुत ही ईजिली अब्सॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में. आप हैंड्स पे लगाओ, फेस पे लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ. सो नीम सब लोग जानते हैं, ये देखो कैसा लग रहा है हैंड्स पे. सो नीम सब लोग जानते हैं, इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी. इसीलिए हिमालया का जो नीम फेस वॉश है, इट इज़ वेरी वेरी फेमस, एंड बहुत लोगों को बहुत अच्छे से सूट करता है, एंड काफ़ी लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करता. सो मैं ये बोलूँगी जिन लोगों को हिमालया का नीम फेस वॉश सूट करता है, उनके लिए जेल बहुत ही ऑसम होने वाला है. सो वेदर यू आर अ टीनेजर, वेदर यू आर इन योर अर्ली 20s और इन योर लेट 30s, जिसको भी हिमालया का नीम फेस वॉश यूज़ सूट करता है ना, उसके लिए ये हिमालया का नीम जेल इज़ गोइंग टू बी ऑसम. मैंने आपको कंसिस्टेंसीज की दिखा दी, बहुत आराम से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन स्टिकी जेल है. बट अभी जैसे मैं तो दिल्ली को बिलोंग करती हूँ, सो दिल्ली में आ रही है विंटर्स. सो अगर विंटर्स के लिए आप कोई जेल ढूंढ रहे हो, सो आई वुड से डोंट बाय इट ड्यूरिंग विंटर्स, बिकॉज इफ़ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन. सो जेल बेस्ड जो चीज़ें होती है ना, वो सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड करती. एंड इफ़ यू हैव लाइक ड्राई स्किन, सो आपको इसके ऊपर कोई मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, या फिर कोई भी एक ऑयल लगाना पड़ेगा. ये आपके लिए इनफ नहीं होगा. बट इफ़ यू हैव लाइक ऑयली स्किन या नॉर्मल टू ऑयली स्किन, देन आपके लिए एक ये जो जेल की हाइड्रेशन है, ये इनफ होगी. नाउ लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या मेंशन है. ये ऐसी इसकी पैकेजिंग है, एंड इस पे ये इस तरह से इसको आपको ना फ्लिप करना होता है. सो इसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई है. सो लेट मी जस्ट से कि ये क्या क्लेम करता है. इट सेज दैट इट इज़ ग्रेट फॉर पिम्पल फ्री एंड हेल्दी स्किन, बिकॉज नीम इज़ नोन फॉर इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. दिस इंस्टेंटली हाइड्रेटिंग नॉन स्टिकी जेल हेल्प्स सूथ एंड काम स्किन, लीविंग इट प्योरिफाइड एंड हेल्दी. सो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा, नीम जो है एंटी बैक्टीरियल होता है, एंड इट इज़ रियली गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन. सो इसीलिए हम हिमालया का नीम फेस वॉश भी यूज़ करते हैं. रादर बहुत सारे लोग हैं जो हिमालया का नीम फेस वॉश बहुत पसंद करते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नीम फेस वॉश नहीं सूट करता है हिमालया का. सो जिनको नहीं सूट करता है, तो वो ये नीम जेल को मत बाय करना, क्योंकि ये भी आपको सूट नहीं करेगा. एंड ये एक नॉन स्टिकी जेल है, बिल्कुल करेक्ट, ये एक नॉन स्टिकी जेल है, एंड बहुत ही जल्दी से अब्जॉर्ब जाता है आपकी स्किन में, एंड बहुत ही काम डाउन करता है आपकी स्किन को. लेकिन इसको लगाते ही फॉर 5 to 7 seconds एक जो बर्निंग सी, टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है ना, जो एक नॉर्मल आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट्स में अक्सर होती है, बायोटिक के प्रोडक्ट्स में भी होती है, तो सेम इसमें भी हल्की सी होती है, बट यू नो आफ्टर 5 to 7 seconds चली जाती है. नाउ डायरेक्शन इस पर लिखी है, आफ्टर क्लेंजिंग योर स्किन विद हिमालया प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश, अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हिमालया प्योरीफाइंग नीम फेस जेल ऑन योर फेस एवरी मॉर्निंग एंड नाइट. सो बेसिकली वही है, आपको हिमालया का नीम फेस वॉश यूज़ करना है तो करो, नहीं करना मत करो. बट कोई भी अपने फेस को जब भी आप क्लीन करते हो, उसके बाद आपको ये जेल लगाना है. सो वॉट इज़ माई टेक ऑन दिस. मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ, इट्स बीन अराउंड 20-25 डेज, सो तभी मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ. मैं इसे डेली मॉर्निंग
एंड इवनिंग स्किन केयर में इंक्लूड कर रही हूँ. सो 90% ऑफ द टाइम मैं इसे मॉर्निंग में तो इंक्लूड करती हूँ, इवनिंग में कई बार नहीं भी करती हूँ. सो मॉर्निंग में जब मैंने इसको इंक्लूड किया है, आई हैव डेफिनेटली सीन कि जो मेरे को ना मास्क एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हमें मास्क पहनना पड़ता है आजकल. सो मैंने ये तो नोटिस किया है कि मास्क एक्ने इसकी वजह से काफ़ी कम हो रहे हैं एंड मतलब इतने ज़्यादा बम्पी नहीं हो रहे. बट अगर मैं ये बोलूँ, इफ़ यू आर लाइक एक्सट्रीमली ऑयली एंड एक्सट्रीमली एक्ने प्रोन स्किन, सो आई डोंट थिंक ये आप पे काम करेगा. अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं डेली, जैसे लोगों के एक या दो पिंपल पॉप आउट हो जाता है, उस पर ये काम नहीं करने वाला. बट येस, इफ़ यू आर लाइक नॉर्मल स्किन या आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली है या आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, उसकी वजह से ब्रेकआउट हो जाते हैं, या नॉर्मली गर्मी की वजह से थोड़े से ब्रेकआउट हो जाते हैं, या किसी और जैसे मास्क एक्ने हो रहे हैं, उस पर ये वर्क डेफिनेटली करेगा. बट आपकी स्किन अगर बहुत ही ज़्यादा एक्ने प्रोन है, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क. तो आपको दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे जो आपका डर्मेट सजेस्ट करे या बहुत ही माइल्ड हो. आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट. बट बिकॉज इट हैज़ गॉट नीम इन इट, सो ये एंटी बैक्टीरियल की तरह बहुत अच्छे से वर्क करता है. सो कोई भी अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है या कोई भी रैश है आपकी स्किन पे, उस पर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है ये. ऑल इन ऑल इट्स अ नाइस प्रोडक्ट. मैंने इसे एज अ डे मॉइस्चराइजर यूज़ करके देखा है, एज अ नाइट टाइम मॉइस्चराइजर यूज़ करके देखा है. सो बेसिकली बहुत अच्छी सी हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन पे. बट इफ़ यू हैव लाइक ड्राई स्किन, तो आपको इसके ऊपर मॉइस्चराइजर कोई और लगाना पड़ेगा अगर आपको लगता है विंटर्स में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है. सो मैं इसको विंटर्स में अगर आपको बाय करना है ना, तो मैं बोलूँगी अगर आपकी ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है, ओनली देन बाय ड्यूरिंग विंटर. इफ़ यू हैव लाइक नॉर्मल टू ड्राई स्किन, देन ऑप्ट फॉर दिस ड्यूरिंग समर्स. या फिर अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो पहले आप इसकी हल्की सी लेयर आप लगा सकते हो एंड उसके ऊपर आप टॉपअप कर सकते हो मॉइस्चराइजर या जो भी आपको ठीक लगता है. बट मैं इसको ये तभी रिकमेंड करूँगी इन केस समर्स में, अदरवाइज इफ यू आर लाइक ऑयली स्किन ड्यूरिंग विंटर्स, अदरवाइज गो फॉर सम डिफरेंट प्रोडक्ट. ऑल इन ऑल इट्स अ गुड जेल, अच्छा फेस जेल है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दी है इसमें, क्योंकि मुझे पर्सनली हिमालय का नीम फेस वॉश सूट करता है, तो दैट्स वाई मुझे ये जेल सूट कर गया. बट अगर आपको नहीं सूट करता है वो फेस वॉश, देन डोंट बाय इट. सो काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको लोकल स्टोर्स पर भी मिल जाएगा. ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट, गुड बाय. आई वुड रेट इट लाइक 8/10 बिकॉज और भी जेल्स हैं जो बेटर अवेलेबल हैं मार्केट में. आपको काफ़ी सारे रिव्यूज मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पे काफ़ी सारे जेल्स के, तो आप चेक कर सकते हो. अगर आपको नीम का फेस जेल नहीं लेना है, हिमालय का नहीं लेना है, तो गुड बाय से बहुत सारे जेल आते हैं, बट वो इससे थोड़े से एक्सपेंसिव है. सो बेसिकली दिस लाइक फॉर 85 rupees और ये 100 gram का प्रोडक्ट है. गुड वाइब्स के जो होते हैं ना, नॉर्मली 50 grams के होते हैं एंड दे आर लाइक लिटिल बिट एक्सपेंसिव फ्रॉम दिस. एंड अगेन, गुड वाइब्स में सारे प्रोडक्ट सबको सूट नहीं करते हैं, सो यू नीड टू जस्ट फिगर आउट कि आपको कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं और क्या आप पे वर्क कर रहा है. सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू जस्ट फिगर आउट. सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड जेल. सो इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट. या जो भी आपको वेरियंट पसंद है, केसर वेरियंट आता है, एलो का वेरियंट आता है एंड रोज का वेरियंट आता है. सो या ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट. एक या तो मसाज जेल यूज़ कर सकते हो, अपने DIYs में यूज़ कर सकते हो, और यू नो मैं जैसे नॉर्मल एज अ डे क्रीम की तरह यूज़ कर रही हूँ. अभी तो इतनी विंटर्स नहीं है, सो इसीलिए मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं रहती है. बट आगे विंटर्स में आई एम श्योर इसके ऊपर मुझे मॉइस्चराइजर यूज़ करना पड़ेगा. सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू बाई, यू कैन गो अहेड एंड ट्राई दिस वन आउट. इट्स अ नॉन स्टिकी जेल एंड इट्स अ गुड जेल. सो इफ यू वॉन्ट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. सो दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू टुडे. इन केस यू लाइक दिस वीडियो, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.